मेरा नाम लोकेक दोलोराम है मैं यही इसी गांव का रहने वाला हूं यहाँ से 300 मीटर मेरे नीचे घर हैं मैं सर्विस करता था पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया मैंने तीन चार साल उसके बाद पुलिस विभाग में छत्तीस सैंतीस साल नौकरी की सिपाही भर्ती हुआ था इंस्पेक्टर रिटायर हुआ मैं इस ज्ञान में सबसे पहले मैंने उन्नीस में इसका लेसन लिया था मगर कुछ महकमे की परिस्थितियों और स्ट्रेस की वजह से मैं इसको रेगुलरली अटेंड नहीं कर सका क्योंकि पुलिस महकमे में इतना स्ट्रेस है स्ट्रेस होता है और है भी कि एक हाथ में फाइल एक हाथ में डंडा एक हाथ में को एक दिमाग में कोर्ट के केसों का कई कई लचर पचर मतलब काम थे उस वजह से मैं इसको रेगुलरली नहीं अटेंड कर सका रिटायरमेंट के बाद मैं इसमें रेगुलरली चला हूँ और मेरी मिसेज भी इसी में साथ है मेरे दो बार मैं मुदबन जा के आया मधुबन में भी बहुत अच्छा माहौल है बहुत ही मतलब शांति है और जिस भी आदमी को कोई दिमागी स्ट्रेस है या कोई और प्रॉब्लम है अगर इस संस्था को अटेंड करे तो उसको काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी शांति महसूस होती है और दूसरे चक्कर से जैसे कई और और भी संस्थाएं संस्थाएं हैं जैसे कई बोलते हैं जी हमारे इसमें चलो कोई बोलता है हमारे इसमें चलो हम बहुत सुपीरियर हैं ऐसा सुपीरियर का कोई वो सहाता नहीं है पर मैंने मेरे अनुभव के मुताबिक इस संस्था में चलना जो है ना आदमी को बड़ी शांति है ज्ञान है ज्ञान भी हम बांटते हैं मेरे परिवार में सभी हमें मतलब सहयोग देती हैं बच्चे सर्विस करती हैं वो अपना सुबह निकलती हैं शाम को आते हैं हम दोनों अम्मियाँ बीबी घर में तो सुबह आ जाते हैं हम यहाँ क्लास अटेंड की उसके बाद घर का जो दिनचर्या है करते हैं उसके बाद जहाँ जहाँ कहीं ज्ञान बांटने जाना है या कोई है वो ऐसा काम करते हैं बाक़ी तो दुनियादारी ऐसी ही है चल जिस साइड में जिस सब्जेक्ट को कोई आदमी पढ़ेगा उसमें ज्ञान तो मिलता ही है यहाँ ऐसा कि इंसान को शांति का अनुभव होता है और दूसरे चक्रों में चर्चा परिचर्चा यहाँ नहीं होती है और इंसान शांति से अपने दिमाग को डेवलप करता है दूसरों को भी अच्छा संदेश देता है और देना चाहिए औरों को भी हम यही देते हैं कि सभी को शांति का संदेश दें सभी आदमी इस संस्था में चलें जो बाबा ज्ञान देते हैं उस उसका अनुसरण करें कि हमने कैसे इसमें चलना है और हमें क्या प्राप्त करना है अच्छा ज्ञान है अच्छा मधुबन में भी बहुत अच्छी जगह है और देखने लायक है शांतिवन में भी बहुत आ, मैंने तो अभी रिसेंटली कोई दस ग्यारह दिन शांतिवन में रहे हैं वहाँ वहाँ शिवरात्रि के टाइम है बहुत अच्छा माहौल है वहाँ रहने सैनी का भी और हर चीज़